हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही होगी गाइस, तो मेरा जो है वो थोड़ा सा गला जो है बैठा हुआ है, मतलब मुझे कोल्ड हो चुका है। तो गाइस, आपको मेरी आवाज़ ऐसी लग रही होगी। और गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं बेटू बना रही है गुजिया। सो गाइस, आप सभी को हैप्पी दीपावली। और ये वीडियो मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ आई होप, लेकिन गाइस मैं शादी में गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था अपलोड करने के लिए। सो गाइस, ये हैं पापा, जो कि दीपावली के टाइम पर जुमेरात भी थी। और पापा हर जुमेरात को मज़ार पे, जो हमारे घर के बगल में जो मज़ार है, वहाँ पर पापा जो है वो अगरबत्ती लगाते हैं। और हमेशा उनका नियम है, या फिर घर में से कोई भी लगा देता है तो पापा यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं अंगारे जो है उनको ना आग ही में रख के जो है उनको थोड़ा सा हवा दे रहे हैं कि वो तेज़ हो जाए। और ये जो है दिए जो बनाए हैं मैंने, और वो दिए हैं आटे के, और वो दिए मतलब जो असली घी का जो चिराग होता है ना वो पापा जलाते हैं। और ये है मोमबत्ती, जो कि मज़ार पे लगेगी, सजेगी, मतलब मज़ार को ना मोमबत्ती लगाएंगे। और दीपावली का टाइम है और घर को तो आपने देखा ही है, हम लोगों ने लाइटिंग लगाई है घर पे, तो आप लोगों को वो थोड़ी देर में दिखाई देगी। छत पे लाइटिंग करी है और यहाँ पर बेटू को मैं खिला रही थी। और मतलब बच्चों का होता है ना कि बहुत ज़्यादा हिली है। और गाइस, ये मेरी देवरानी की लड़की है, इसका नाम है आरिफा, और मेरा नाम है गाइस बबली। और अगर आप लोग नए हो, मेरे नए सब्सक्राइबर हो, अगर आप लोग मुझे सो गाइस, अगर आप लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं वीडियो बनाती हूँ होम पे, मेकअप पे, मेरी वीडियो मेकअप के ऊपर भी बनती है, होम जो मैं करती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ। सो गाइस, ये जो मोमबत्ती है हम लोग उसको मतलब कुछ तो लगाएंगे छत पर और कुछ लगाएंगे पापा ले जाएंगे तो मज़ार पे लगाएंगे। और ये जो है बल्ब जो लगाया है पापा ने, और ये जो है मेरे देवर है और वो जला रहे हैं, मतलब पटाखे जो हैं बेटू की डिमांड पर लेके आए थे और अलसिफा की डिमांड पर लेके आए थे। तो बच्चों के पटाखे हैं मिनिमम, तो वो ही जला रहे थे क्योंकि बेटू को लगता है डर। मतलब पटाखे तो लाए थे बहुत सारे, जैसे कि बहुत होते हैं ना अलग अलग तरह के पटाखे, तो वो लेके आए थे गाइस और उसको जला रहे थे। ये था अनार। सो बेटू बहुत खुश हो रही थी क्योंकि बेटू को अच्छा लगता है पटाखे देखना। जलाती तो वो है नहीं, लेकिन हाँ जो फुलझड़ी होती है ना सिर्फ वो ही जलाती है। सो गाइस, यहाँ मम्मी बैठी है और आरिफा को लेके, और बेटू बहुत खुश हो रही थी। सो गाइस, हम लोगों की दीपावली हमेशा से ही ऐसी बनती है। और इस्लाम जो है वो अलग पटाखे लेके आते हैं, भैयन जो अलग पटाखे लेके आते हैं, मतलब बहुत सारे पटाखे हो जाते हैं ना। सो हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं हम लोग छत पे आ गए थे, मतलब बाहर जलाने से अच्छा हम लोग ने सोचा छत पे चलें, छत पे आराम से पटाखे जलाएंगे और आप लोगों को दिखाने के चक्कर में, मतलब हमारी छत पे जो डेकोरेशन है, मतलब छत से दिखता है ना, सब लोग करते हैं ना अपने अपने घर का डेकोरेशन, तो मैंने सोचा वो भी क्लिप ले लूँ तो आप लोगों को दिखा दूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि सब लोग, मतलब दीपावली एक ऐसा त्यौहार है जो सब लोग इंजॉय करते हैं, मतलब जगमगाता है पूरा, मतलब सब जगमगाते हैं घर मकान हर चीज़। सो गाइस, आप देख सकते हो, और यहाँ पर जो है हम लोग पटाखे फुलझड़ी वगैरह जला रहे थे और छत पे जला रहे थे और खूब मस्ती करी खूब। और जो है इस्लाम, जो है इस्लाम भैयन जो कि बाहर जला रहे थे पटाखे, और ये बाहर इसलिए जला रहे थे क्योंकि जो जेंट्स थे वो बाहर दीपावली मना रहे थे और जो लेडीज़ थी तो वो घर की छत पे दीपावली मना रही थी। तो हम लोग छत पे चले गए थे और फिर हम लोग देख रहे थे नीचे झांक के, तो आप लोग को दिखाएंगे भी। उन लोगों ने इतने बढ़िया बढ़िया पटाखे जलाए थे ना बाहर,
इतने अच्छे अच्छे पटाखे जलाए थे ना, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, बहुत अच्छा लगता है ना जब कुछ खुशी होती है ना। और एक ही त्यौहार है, और कुछ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, त्यौहार होते हैं सबके होते हैं, सब एक ही त्यौहार है, चाहे वो ईद हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो दीपावली हो, त्यौहार एक जो है, त्यौहार की त्यौहार का मतलब ही होता है कि एक दूसरे को खुशी बांटना। सो गाइस, जितना आप लोग बांट सकते हैं, ये मत देखिए ये हिंदू का त्यौहार है या ये मुसलमान का त्यौहार है, बस आप जितनी खुशी हो ना, वो अपने फैमिली वालों में, अपने परिवार वालों में और अपने रिश्तेदार में जितनी भी खुशी है वो बांट सकते हैं तो बांट ले, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ अल्लाह एक दफ़ा देता है। अगर आप लोग उसको ही बेकार कर दो तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो इसीलिए गाइस, जो भी त्यौहार हो तो वो दिल से बनाओ, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे वो मुसलमान का हो। और हम तो, हमारे यहाँ तो सभी त्यौहार जो है हम लोग मनाते हैं। यहाँ देखिए, रक्षाबंधन भी मनाया जाता है, ईद भी मनाई जाती है, बकरीद भी मनाई जाती है, होली भी मनाई जाती है, सब एक ही त्यौहार है गाइस। गाइस आप देख सकते हो, और कितना ज़्यादा, मतलब छोटी जो आरिफा थी ना, वो भी पटाखों की आवाज़ से बिल्कुल नहीं डर रही थी। वो सोच रही थी कि ये पटाखे कहाँ जल रहे हैं, मतलब आवाज़ आ रही थी ना, तो वो पटाखों को देख देख के ना चौक सी जा रही थी, लेकिन वो डर नहीं रही थी। सो गाइस, हम लोग यहाँ बैठे हैं, मम्मी भी हैं, मैं भी हूँ, और सब है यहाँ पर, सिमरन भी है और अलसिफा भी है। हम लोग सब लोग यहाँ पर जो है वो पटाखे जला के थक चुके थे, लेकिन जो मम्मी है वो, मतलब जो काशी राम के पटाखे होते हैं ना, उनको वो जलाने का बहुत शौक है। हम लोग तो फुलझड़ी वगैरह जला लेते हैं, लेकिन वो जो काशी राम के जो पटाखे होते हैं ना, जिसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है, वो वाले पटाखे जो है मम्मी जलाती हैं। डेकोरेशन हुआ है, ये हमारी छत है, हम लोग ने डेकोरेशन किया है अपनी छत का। आप देख सकते हो, इस साइड आइए आप लोग, पटाखे करके पीछे हम लोग पटाखे जला रहे हैं। तो आप लोग, आज हम लोग ने खाना खा लिया, खाने की जगह बहुत अच्छी थी, मम्मी ने बनाया था बहुत अच्छा अच्छा खाना। सो गाइस, तो गाइस इसी के साथ करते हैं अलविदा, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो में देखते हैं, अल्लाह हाफिज़, आप लोग अपना ध्यान रखें, बाय बाय।